नमस्कार दोस्तों, आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ सीटी 110X इलेक्ट्रिक स्टार्ट गाड़ी। दोस्तों इसमें एक सेल्फ स्टार्ट भी आती है, जिसमें टोटल इलेक्ट्रिक स्टार्ट और सेल्फ स्टार्ट में 10,000 रुपये का अंतर आ जाता है। दोस्तों बात करें गाड़ी की, तो गाड़ी के अंदर आपको जो स्पेशल फीचर्स मिलते हैं, ये इसमें इंजन आपको मिलेगा 115 cc का, जो आपको पावर देता है 8.6 PS की, और जो टॉर्क जनरेट करता है 9.81 Nm। इसमें आपको ड्रम ब्रेक प्रोवाइड करे गए हैं। और टायर की बात करें तो दोस्तों इसके अंदर आपको ट्यूबलेस टायर नहीं मिलेंगे, आपको इसमें ट्यूब वाले टायर मिलेंगे। और ये 1 सिलेंडर इंजन की गाड़ी आती है। जो गाड़ी की अगर राइड की बात करें तो राइड काफ़ी अच्छी है, गाड़ी की सीट भी काफ़ी अंडर कम्फर्ट दी गई है। और अगर गाड़ी के हैंडल बार को अगर अपन बात करें तो गाड़ी को बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक चलाने में काफ़ी आसानी होती है दोस्तों। और जो गाड़ी की जो पावर है वो काफ़ी अच्छी प्रोवाइड करी गई है कंपनी की तरफ से। दोस्तों मुझे तो गाड़ी चलाने में काफ़ी मज़ा आ रहा है। बाकी गाड़ी का कई जने पूछते हैं कि स्प्लेंडर से बेस्ट है या नहीं है। बिल्कुल दोस्तों, स्प्लेंडर प्लस से काफ़ी अच्छी गाड़ी है, कीमत में भी कभी काफ़ी कम है स्प्लेंडर प्लस से, और लुक के मामले में काफ़ी अच्छी गाड़ी। जो CT 100 ने बहुत चेंज कर दिया है गाड़ी के अंदर, आपको लाइट वगैरह देखने को मिलेगी, हैंडल बार देखने को मिलेगा, और जो CT 110X की बैजिंग है वो भी काफ़ी स्टाइलिश कर दी गई है, इंडिकेटर भी काफ़ी स्टाइलिश हैं। दोस्तों गाड़ी ओवरऑल काफ़ी अच्छी है। मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा था कि CT 110 स्प्लेंडर और HF डीलक्स से बेस्ट क्यों है, तो दोस्तों जवाब देने का टाइम आ चुका है। थोड़ा से गुजारिश है दोस्तों कि दिन में टाइम ना मिलने के कारण आपके लिए रात में वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो थोड़ा क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। दोस्तों बात यह है कि इस गाड़ी की जो हाइट, अगर आप इस पर बैठते हो तो आपको एक फील ही अलग आएगा, आपको ऐसा लगेगा कि आप या तो थंडरबर्ड जो गाड़ी आती है रॉयल इनफील्ड, या तो उस पर बैठ रहे हो, क्योंकि गाड़ी की हाइट काफ़ी ऊंची है स्प्लेंडर, बेटर देन स्प्लेंडर प्लस से। ये एक इसका बड़ा पॉइंट है। दूसरा, इसकी गाड़ी का जो पिकअप है स्प्लेंडर बाइक से काफ़ी अच्छा है दोस्तों। 80 से 80 की स्पीड झटके में पकड़ती है दोस्तों, झटके में। उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। स्प्लेंडर को अगर आप 60 से 70 के बीच में चलाओगे तो ऐसा लगेगा कि गाड़ी ने जवाब दे दिया। दोस्तों गाड़ी ये 70 से 80 झटके में ही पकड़ी, गाड़ी झटके में स्पीड पकड़ती है, और स्पीड जब पकड़ती है तो गाड़ी का जो एग्जॉस्ट साउंड है वो आपको सुनाई दे रहा होगा, अलग ही चेंज हो जाता है। तो इस गाड़ी को चलाने में वास्तव में ही फील आता है, इसलिए मैंने गाड़ी खरीदी थी। बेस्ट रीज़न तो यही है। और फिर दूसरा माइलेज, माइलेज मैं इस पर आपको बोल रहा हूँ कि मैं जब भी गाड़ी पे मैं गांव वगैरह जाता हूँ 100-150 किलोमीटर, तो हम 2 से 3 जने जाते हैं, तो फिर उसके टाइम में गाड़ी को ऐसा नहीं है कि 40-50 पे जो ग्रीन आपको लाइट दिख रही है, इस पे मैं गाड़ी को आराम से 70-80-75-90 इतने पे रन करता हूँ, फिर भी मुझे गाड़ी आराम से 50 तक का माइलेज आराम से निकाल के देती है। और दूसरी, गाड़ी की जो अपन की लोडिंग कैपेसिटी है वो काफ़ी अच्छी है, कितने ही जने बैठो, मतलब ज़्यादा तो नहीं पर 2 से 3 जने आराम से बैठते हो, गाड़ी कोई दबती। बाकी इसकी टॉप स्पीड मैं आपको दिखाऊंगा हाईवे के ऊपर, इस सिटी में दोस्तों अभी मैं राइड कर रहा हूँ गाड़ी, तो इसलिए मैं आपसे थोड़ी सी क्षमा चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, वापिस से मुझे ब्रेक लगाने पड़ेंगे दोस्तों। 0 to 80 तो गाड़ी ऐसे पकड़ती है झटकों में, पता ही नहीं लगेगा आपको कब 0 से 80 पहुंच गई गाड़ी। तो ये है दोस्तों बजाज CT 100 के प्लस पॉइंट, जो स्प्लेंडर को ना लेकर मैंने ये बात की। अब इसकी हेडलाइट चेक करते हैं दोस्तों, कई दोस्तों के सवाल जवाब आ रहे थे कि इसकी जो हेडलाइट है उसका चेक करके बताओ उजाला वगैरह कैसा है इसका, तो चलते हैं दोस्तों हेडलाइट वगैरह चेक करते हैं। हेडलाइट चेक करने के लिए मुझे थोड़ा सा ऐसे एरिया में आना पड़ा जहाँ रोशनी वगैरह कम हो, तो ये आपको लाइट दिखाई दे रही है दोस्तों, रोशनी नहीं है इस रोड पर,
बिल्कुल भी आपको दिखाई दे रहा। अब मैं इसकी करता हूँ सिंगल एलईडी लाइट। तो ये इसकी एलईडी लाइट है, आपको दिखाई दे रही होगी, ये इसकी एलईडी लाइट है, ये इसकी लाइट। अब इसको और इसकी ये बड़ी लाइट, ये इसकी बड़ी लाइट है दोस्तों। बड़ी लाइट में आपको जो इसके कैरियल वगैरह आगे जो मॉडिफिकेशन लग रही है वो आपको परछाई में दिखाई दे रूँगा। इसकी बड़ी लाइट काफ़ी अच्छी है, और क्या लोगे दोस्तों, लाइट काफ़ी अच्छी है इसकी। घुमा लेते हैं गाड़ी वापस से।